हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त आपका वेलकम करता हूँ अपने गार्निंग बॉय यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज है गणतंत्र दिवस। आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, शाम को कलकत्ता से कुछ डहेलिया के प्लांट आए हैं, तो शाम को अंधेरा हो गया था, इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो चलते हैं अपने प्लांटों के तरफ, आपको रेट पता चलेंगे और उनकी केयर बताऊँगा। तो दोस्तों, इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जो आएगा वो उसको प्रेस कर ले, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो देख पाए। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये है देखिए खूबसूरत डहेलिया के प्लांट, विंटर सीजन का सबसे खूबसूरत प्लांट इसे कहा जाता है। अगर इसे हम विंटर सीजन का राजा कहें तो ये कम नहीं होगा। वैसे तो राजा तो फूलों का गुलाब है, पर इसके कलर जब आप कई कलरों में इसे अपने गार्डन में या अपने टेरेस गार्डन पर लगाएँ तो आज जब ये फूल सारे खिलते हैं तो इतने खूबसूरत लगते हैं। तो देखिए, आज इनकी ये आए हैं, शाम को आए थे, तो ये सुबह देखिए कुछ ठीक है, इनकी हालत सही है। तो देखिए, कई कलरों में आपको मिल जाते हैं, और जो इनके बड हैं वो काफ़ी बड़े साइज के हैं। तो देखिए, ये जो बल्ब है ये इनके ट्यूबर होते हैं, जो ट्यूबर से कुछ तैयार प्लांट होते हैं, सीड से भी तैयार होते हैं, और इनकी अगर आप कटिंग लगाएँ तो ये कटिंग से भी तैयार हो जाते हैं। देखिए, कई कलरों में आपको मिल जाएंगे, इनमें येलो कलर भी आता है, रेड भी आता है, पिंक भी आता है, वाइट भी आता है। तो देखिए कितने खूबसूरत कलर हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये प्लांट बाय करना चाहते हैं तो इस समय आप नर्सरी पे आ सकते हैं, ये प्लांट आपको 30 रुपये प्लांट मिल जाएगा। तो देखिए, ये आपको छोटे से एक पन्नी में लगे हुए मिल जाएंगे, और इनको आप 10 इंची के गमले में अगर लगा रहे हैं तो बहुत अच्छे से चलेंगे। गमला हमेशा याद रखिए कि मिट्टी का गमला हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप प्लास्टिक के गमले ले रहे हैं तो उनमें आपको वाटरिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, आप ओवर वाटरिंग ना करें। तो देखिए, काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, तो आप आए और नर्सरी पर आके इन्हें बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।